हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू कुक इजी एंड डिलीशियस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मोस्ट पॉपुलर डिश ऑफ पंजाब, सरसों का साग। सरसों का साग सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में, बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर शेयर किया करें। तो चलते हैं फटाफट से रेसिपी की तरफ। तो सरसों का साग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 kg सरसों। सरसों के पत्ते जो होते हैं ना, वो हाथों में थोड़े से चुभते हैं, तो सरसों को आप क्या करें, अच्छे से काट लें। रफली आपने चॉप करना, बारीक कुछ भी नहीं काटना है। और जितना आपने सरसों लिया है ना, अगर आप चाहते हैं कि सरसों का साग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने, जैसे कि शादियों में बनता है, तो आधा मैंने उसका पालक लिया है, और यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा बथुआ, और थोड़ी सी ली है मेथी। इन चारों चीज़ों को जब हम मिक्स करके साग बनाते हैं, तो साग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब इन चारों चीज़ों को आपने 3 से 4 पानी में अच्छे से वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद मैं यहाँ पर कुकर में सारी चीज़ों को डाल दिया है, सरसों, पालक, मेथी, बथुआ। अब मैं यहाँ पर 1 ग्लास पानी ऐड करूँगी। साथ ही यहाँ पर मैंने क्या किया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, उसे मैंने क्या किया है, बारीक बारीक कट कर लिया है। और साथ ही यहाँ लहसुन की कलियाँ हैं 8, और 2 से 3 हरी मिर्चों को भी मैंने कट कर लिया है। अब इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पर ना 2 चम्मच ली है, जो आप खिचड़ी में दाल यूज़ करते हैं ना, मूंग की दाल, वो 2 चम्मच दाल आप यहाँ पर धोकर ऐड कर दें। साथ ही मैंने यहाँ पर फ्रेश हरा धनिया ऐड किया है। कुछ लोगों को साग जो है ना कड़वा लगता है, तो आप इस तरीके से हरा धनिया ऐड कर लें, उससे साग का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब आपने 1 सीटी हाई फ्लेम पर और 2 सीटी लो फ्लेम पर लगानी है। इससे साग क्या होगा, सारे जो पत्ते वगैरह हैं वो अच्छे से गल जाएंगे। ये देखिए दाल भी जो है ना वो सॉफ्ट हो चुकी है। तो बस 2 चम्मच ही मैंने यहाँ पर मूंग दाल ऐड की है, इससे साग का फ्लेवर ना बहुत ही बढ़ जाता है। आप इस तरीके से साग एक बार बनाकर देखें, सब उंगलियाँ चाट जाएंगे। अभी ये जो साग है ना, तो इसमें अभी थोड़े बहुत डंठल या थोड़ा मोटा मोटा है, तो इसीलिए मैंने इसे मिक्सी के जार में डाला है, और सिर्फ कुछ सेकंड के लिए मैंने मिक्सी को चलाया। हमें इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, सिर्फ दरदरा सा इसे क्या करना है, पीस लेना, और आपने 2 से 3 सेकंड के लिए मिक्सी चलानी है, फिर बंद कर देनी है। ऐसा आपने 2 बार करना है। तो इस तरीके से आपके पास ना साग जो है ना बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। अब इसको हम बिल्कुल पंजाबी स्टाइल बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है, और उसके अंदर मैंने हींग और जीरा ऐड किया है। साथ ही मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है प्याज। अब हम क्या करेंगे, प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, हल्का गोल्डन ब्राउन होने देंगे। तो साग ना सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। अब जब नेक्स्ट टाइम आप साग बनाएं, तो आप प्लीज़ मेरी रेसिपी को ट्राई करना, यकीन जानिए बहुत ही अच्छा साग बनकर तैयार होगा। अब मैंने यहाँ पर ना 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी हल्दी और नमक ऐड कर दिया है। आप चाहें तो रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम टमाटर के सॉफ्ट होने तक मसाले को अच्छे से भूनेंगे, जब तक कि मसाले में से ऑयल रिलीज़ होने लगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, और मसाला भी अच्छे से भून चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे, और जो हमने साग बनाया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए बिल्कुल ढाबा स्टाइल आपका साग बनकर तैयार होगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मिक्स हो चुकी हैं, अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे। अब मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि मैंने यहाँ पर ऐड किया है गेहूँ का आटा। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच के करीब गेहूँ का आटा लिया था। कई लोग सरसों के साग में मक्के का भी आटा इस्तेमाल करते हैं, अगर आपके पास मक्के का आटा नहीं है तो आप गेहूं के आटे को पानी में घोल लें। काफ़ी लोग ऐसे ही डालते हैं, लेकिन अगर आप घोल कर डालेंगे ना, तो उससे क्या होगा, लम्प्स वगैरह नहीं रहते हैं, और इससे क्या होता है ना, साग जो है ना वो थोड़ा सा थिक होने लगता है। तो आपने इसे डालने के बाद इसको चलाते रहना है, और कम से कम 4 से 5 मिनट आपने और अच्छे से पकाना है, ताकि जो गेहूं का कच्चापन है वो साग में बिल्कुल भी ना रहे। और अब इसको हम पकने देंगे। अब लास्ट में हम इसके तड़के की तैयारी करेंगे। तो सिर्फ जो लास्ट में हम तड़का लगाएंगे, वो सिर्फ लहसुन की कलियों को आपने सरसों के तेल में इस तरीके से हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है, और फिर लास्ट में उसमें लाल मिर्च आप डाल दें गैस का फ्लेम बंद करके, ताकि लाल मिर्च जो है ना वो आपकी काली ना पड़े। और ये तड़का जो है ना बहुत अच्छे से रेडी हो चुका, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और ये हमारा बहुत ही बढ़िया से सरसों का साग जो है ना वो रेडी हो चुका है। ये देखिए, अगर आपको थोड़ा गाढ़ा साग पसंद है, तो आप जो है ना पानी थोड़ा कम रखें साग के अंदर, और मैं थोड़ा इसी तरीके से खाती हूँ, तो मैं इस तरीके से थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करती हूँ, और रखने के बाद ना साग थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। तो ये साग जो है बनकर बिल्कुल तैयार है, आप इसका लुक और टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है। और आप इसके साथ मक्के की रोटी बनाइए। मक्के की रोटी की रेसिपी अगर आपको देखनी है, तो वो भी मेरे चैनल पर है, आप विज़िट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये मेरी साग वाली रेसिपी कैसी लगी है,
प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपना बहुत सारा प्यार देना, और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप सपोर्ट किया करें, वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।